हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में एक ही सवाल होगा कि सर रिजल्ट भी आ गया, सर कट ऑफ भी निकल गई और सर आंसर कीज भी आउट हो चुकी हैं, तो सर ये बता दीजिए कि अब नेक्स्ट एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। दैट मीन्स जून 2022 का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बेस्ड ऑन माई पास्ट ईयर एक्सपीरियंस ऑफ 4-5 ईयर्स जो नोटिफिकेशन आता है वो जनरली मार्च की सेकेंड वीक में आता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तक खुला रहता है। इसका मतलब क्या है कि मार्च अगर सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन आता है तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप अज्यूम कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन खुला रहेगा और आपको उसको टाइम टू टाइम टाइमली बिल्कुल भर देना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डाउट जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि सर कौन एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा रूल होता था कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं मास्टर्स के तभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते थे, बट अब ऐसी कोई भी रेगुलेशन नहीं है। बहुत ही अच्छी खबर है ये कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, द मोमेंट यू इनरोल फॉर योर मास्टर्स, जैसे आपने अपने मास्टर्स में इनरोल किया फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और एक फाइनल चीज बताना चाहूंगा, आपने अभी महसूस किया होगा कि जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, एनटीए काफी कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्लीज अपनी तैयारी में ब्रेक मत लगाइए, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल बिकॉज फेब मंथ ऑलरेडी खत्म होने वाला है, वी आर जस्ट लेफ्ट विद अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स, दैट इज मार्च, अप्रैल एंड मई। तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि कब ये टाइम खत्म हो जाएगा। सो डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड विद द लाइव सेशंस व्हिच आर हेल्ड फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे, पेपर 1 के लिए भी होते हैं, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए भी होते हैं 7 बजे। तो आप मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग ऑन दीज लाइव सेशन। कीप प्रिपेयरिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।